के 12 बजे तो इस छोड़ के, क्योंकि इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरे रूममेट ने। यही है वो गाड़ी जिससे चल दिए हैं और सोनभद्र की तरफ। रात के इस टाइम 11:30 बज रहा है, दिल थाम के बैठी है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और समवन स्पेशल के साथ है। मेरे हस्बैंड है, मेरे पति देव, और मैं अभी जा रही हूँ सोनभद्र। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पर हुआ कि चलते हैं, क्योंकि मेरा आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद अब मेरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो ये क्लासेस बंद रहेंगी। और तो फिर मैं सोची कि चलती हूँ, वहीं पे पढ़ना है तो रूम पे रह के पढ़ना है, तो इससे अच्छा मैं वहीं चलती हूँ। थोड़ा मैं इनका भी हेल्प कर दूँगी और मैं देखती हूँ, अगर मेरी पढ़ाई वहाँ पे अच्छी अगर हुई तो फिर मैं स्टे करूँगी, अदरवाइज़ अगर नहीं अच्छी हुई तो मैं वापस भी आ सकती हूँ। तो ऐसा मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं वहाँ कितने दिन रहूँगी नहीं रहूँगी, क्योंकि पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इतने दिन पढ़ के मैं क्या ही करूँगी, टर्मिनल में मार्क्स लेके मैं क्या ही करूँगी जब मेरा यूनिवर्सिटी में ही मार्क्स नहीं आए। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मुझे इस टाइम पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी वहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस का कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं एक टाइम बनाऊँ, दो टाइम खाऊँ, वो मेरे ऊपर है। तो वैसे मेरे हस्बैंड 9:30 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, शाम को 6-7 बजे आते, तो मेरे पास पूरा टाइम है, मुझे जितना पढ़ना होगा मैं पढ़ सकती हूँ। पर होता नहीं कि पढ़ने के अलावा हर काम हो जाता है, तो मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, पर देखना ये रहता है कि हो कितना पाता है। तो अभी हम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि रात के 1 बज जाएंगे, क्योंकि अभी 9 बज गया, अभी तो हम मिर्ज़ापुर समझिए पहुँचने वाले, ऐसा कुछ अभी तो सोनभद्र जाना है हमको, कोई नहीं। पर हस्बैंड वाइफ अगर साथ में रहते हैं तो फिर तो पूरी रात हम सफ़र कर सकते हैं, और मेरे जैसे हस्बैंड हो तो फिर तो भाई मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो बेचारे ये सोचे कल बनारस आए, बनारस से फिर यहाँ पे आए, यहाँ से फिर सोनभद्र जा रहे हैं, तो सोनभद्र से बनारस, बनारस से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर सोनभद्र। मुझे तो सिर्फ प्रयागराज से सोनभद्र जाना है, इनको ड्राइव करना है, ड्राइव करके जाना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत जल्दी में वैगनार चलाना, मतलब मैं कार चलाना सीखूंगी, ताकि इनका मैं बोझ हल्का कर सकूं। पहले मैं स्टार्टिंग की थी सीखने के लिए ना, स्टार्टिंग में 2-4 बार चलाई भी थी, सीखती भी थी, पर होता ना कि ये रहते नहीं थे, ड्यूटी चले जाते थे, फिर मैं ससुराल में रहती थी, और डैडी कभी कभी 1-2 दिन सिखाते थे, एक दिन सिखाते थे, दूसरे दिन चिल्ला देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, फिर बोला छोड़ो जाने दो। तो अब ये रहते नहीं थे कि अब एक दिन के लिए आते थे तो उसमें भाई क्या ही मेरे को कार सिखाएंगे। पर अब मैंने सोचा है कि जब मेरा यू का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं कार ड्राइव करना जरूर से सीखूंगी, क्योंकि मुझे भी जरूरत है, क्योंकि यार प्रयागराज से सोनभद्र का रास्ता बहुत दूर है, और सही सीखना भी ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो भाई मेरे बहुत पहले का सपना, ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं हर काम इंडिपेंडेंट करूँ, किसी के भी ऊपर डिपेंड ना रहूँ। तो मैं तो कार सीखूंगी, किसको किसको आता है कार ड्राइव करने, और हर काम करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि मेरे पापा करेंगे, मेरे पति देव करेंगे, तो अपना सेल्फ आना चाहिए। तो मैं इस बार चैलेंज लेती हूँ, 2024 में मैं कार चलाना मैं सीख जाऊँगी, ये मेरा अपने से वादा है। तो चलो चलते हैं सोनभद्र, और बाय दीदी। तो हम जा रहे हैं इसको छोड़ के, क्योंकि इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरे रूममेट ने। तो हेलो गाइस, जीना हराम भी जरूरी है। अच्छा, मैं जा रही हूँ इसलिए गुस्से में जा रही हूँ, हॉस्टल छोड़ के, बादलों को देखिए कितने अच्छे लगे। गाड़ी तो यहाँ पे अब हम चल दे रहे हैं, यहाँ पे मेरे पति देव खड़े हैं, वेट कर रहे थे, मैं 10 मिनट इनको खड़ा की थी, क्योंकि पता है मेरा ना कोई काम पहले नहीं होता है, अगर मुझे जाना होता है एंड टाइम पे मेरा पैकिंग होता है, मैं 1-2 घंटे पहले वाली पैकिंग करने रखने वाली लड़की नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरी रूममेट को मैंने कुछ मंगाया था तो वो लेके चल देती है और बाय बोलती है, फिर हम निकल जाते हैं यहाँ से। और मैं आपको ना आज मैं कुछ आपको ना अपनी दिल की बात शेयर करूँगी, तो आप इसमें स्टे ट्यून रहिएगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो गाइस हम चल दिए हैं और सोनभद्र की तरफ। सफ़र बहुत, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं था, पर बहुत बुरा भी नहीं था, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान हमेशा सबका साथ दे, सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और प्रॉब्लम आया, छोटी आए, वो चली जाए, बस मैं यही प्रे करूँगी भगवान से। और यहाँ पे ये ड्राइव कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट 7 बज रहा है, तो हम चल रहे हैं सोनभद्र की तरफ। मुझे लगता है कि हम लोग को 12-1 बज जाएगा ना जाने में, तो 12 और 12-1 बज जाएगा। तो यहाँ पे गेट पास से, गेट पास दे देते हैं, गेट पे देना है।
तो यहाँ पे ना मैं निकल दी हूँ हॉस्टल से, और मैं आपको ना आज बताना चाहती हूँ कुछ। क्या है ना कि जब मेरी शादी हो गई थी ना, तब मैं शादी के बाद मैं अपने ससुराल में थी। उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, मेरी शादी के जस्ट बाद 2-3 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था। फिर हम घर में थे, इंजॉय कर रहे थे, और मेरा ये था कि भाई मुझे सिर्फ रोटी नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना है, मुझे कुछ तो करना है, मुझे 2-4 पैसे कमाने हैं, अपना नाम भी कमाना है। तो इसके लिए भाई मैं सोच रही थी, फिर मैंने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुना था। और मैंने शादी के मैं 2 महीने बाद ही, 1 महीने बाद दिसंबर से ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। और मुझे इतना क्रेज़ था, मैं कोई भी काम करती हूँ ना बहुत शिद्दत से करती हूँ, आप किसी से भी मेरे घर में पूछ लेंगे। जब मैं वीडियो बनाती थी ना, ससुराल था, नया नया था, लोग मतलब बहुत सारे ऐसे काम रहते थे, और मैं काम करने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। वैसे मेरे ससुराल में ज़्यादा काम नहीं रहता है, देखो सप्ताह में 3 दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, बाकी 4 दिन तो हमें फ्री मिलता है। और मैं भाई सिर्फ खाना बना के घर का काम करके मैं सो नहीं सकती हूँ। मेरे आंटी आती हैं बर्तन धुलने के लिए और पोछा लगाने के लिए, सिर्फ हमें खाना बनाना रहता है। और कभी कभार होता है काम भाई, जो चावल वावल जैसे मेरी सासू माँ करती है तो करवाना पड़ता है, तो ये सब तो काम होता है भाई। मैं ये चीज़ सोचती थी कि अगर वो नहीं रहती तो फिर मुझे कितना करना पड़ता, तब तो सब करना पड़ता। तो मैं दिन भर 11 बजे तक मैं खाना बनाती थी, फिर थक जाती थी तो सो जाती थी। कभी कभी मैं नहीं सोती थी तो मैं दोपहर में वीडियो शूट कर लेती थी। अगर जब मैं सो जाती थी तो फिर मैं खाना बना देती थी जल्दी जल्दी, रात को 9-10 बजे तक मैं खाली हो जाती थी। फिर मैं रात को मैं वीडियो शूट करना शुरू करती थी 12 बजे, और 1, 2, 3 बजे तक, भोर तक मैं कभी कभी वीडियो शूट करती रहती थी। मेरा था कि मुझे भाई अपना नाम कमाना है, कुछ करना है, मतलब था अंदर से लगन कि कुछ ना कुछ तो करना है। मैं डेली हर एक दिन वीडियो डालती थी, 1 या 2 वीडियो मैं डेली डालती थी, बहुत मेहनत करती थी। और मेरी इस मेहनत को देख के मेरे घर वाले, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे भाई लोग, सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे। और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश भी थी, मुझे ऐसा मतलब पढ़ना लिखना नहीं था, पर मेरे पापा को और मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो था कि तुम रोटी बनाने में रह जाओगी, यूट्यूब पे ही रह जाओगी, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। मतलब मैं पढ़ने में थोड़ी अच्छी थी, मैं आपको डे बाई डे बताऊँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। इन लोग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था मेरे लिए कि मैं इतना पढ़ लिख के मैं सिर्फ रोटी बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ और मैं यूट्यूब पर हूँ। उन लोगों का कहना था कि यूट्यूब को साइड बिजनेस रखो और बाकी मैं कुछ अच्छा करो। तो फिर मैं बहुत, मुझे कुछ नहीं लगता था, मुझे मैं बहुत खुश थी ससुराल में कि ठीक है। फिर उसके बाद लिटरली मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यार सच में यार रोटी बना के ये करके मुझे अच्छा नहीं लगे। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक दिन ऐसे आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर होता है कि भाई बहुत लेट हो चुका है। फिर इसमें पूरा श्रेय मेरे छोटे वाले भाई को जाता है जो कि अभी डॉक्टर है वो भी, और उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट दिया, पूरा सपोर्ट मेरे मायके ने पूरा सपोर्ट दिया। और स्पेशली थैंक यू सो मच मेरे ससुर जी को कि वो पिलर की तरह खड़े थे, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। फिर पहले था कि BMS करना है, नीट नीट नीट, फिर उसके बाद मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा उस कॉन्फिडेंस था कि तुम निकाल लोगी। तो पहले था कि BMS करना है, फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला जब अब इतना लेट करके जब पढ़ना शुरू कर ही रही हो तो क्यों ना तुम MBBS कर लो। फिर मुझे लगा MBBS के लिए भाई इतना था कि मुझे प्राइवेट से ही करना है, तो भाई MBBS के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगे। फिर मैं अपने डैडी से बात की, अपने ससुर जी से, तो उन्होंने बोला कि तुम बस पढ़ो, अगर पढ़ने की चाह रखती तो पैसा का टेंशन मत लो। फिर उसके बाद मैंने हौसला बनाया, उसके बाद मैंने बहुत मतलब बहुत दिक्कतों के साथ, मैं बता नहीं सकती, फिर मैंने बैग पैक किया और मैं आ गई सोनभद्र। सोनभद्र आने के बाद मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मेरे हस्बैंड ने एलेन का दिलवाया। फिर मैं 1 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं क्लासेस करती थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि मैं पूरी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। 2 साल तक मैं इंजॉय की थी और मुझे ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब मेरे अंदर बहुत जुनून आया कि नहीं मुझे पढ़ना है भाई, मुझे पढ़ना है, अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मेरे पतिदेव का नाम, मेरे ससुर जी का नाम, उसके बाद कर करके मैंने फाइनली मैंने इतना मार्क्स लाए कि मुझे मैं यूनाइटेड में पढ़ती हूँ, मुझे यूनाइटेड कॉलेज मिला। और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, मैं भी अभी लिटरली बहुत खुश हूँ। पर अभी फर्स्ट ईयर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, पर बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ये यूट्यूब मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक मेरा यूट्यूब रहेगा। यूट्यूब मेरी पहचान बनाएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो शूट करना, सबके साथ शेयर करना। इन फ्यूचर मैं यूट्यूब का अपना बहुत बड़ा हथियार बनाऊँगी, मैं लोगों की मदद भी इसी के थ्रू करूँगी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। मुझे ऐसे बैठना नहीं है घर पर, ऐसे गॉसिप नहीं करना है कि
कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। और ऐसे करते करते हमारा सफ़र ख़त्म होता है और हम पहुंच जाते हैं सोनभद्र की पुलिस लाइन। आपने देखा होगा रास्ते में हमने रात को 12 बजे ही हम पहुंचे थे, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे खाना ही खाए, बहुत अच्छा। यहाँ का श्रद्धा सबूरी है, जो रापट्सगंज के होंगे उनको पता होगा, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। और मैं आपको बता दूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं जो भी अंडा मुर्गा मछली खाता है मैं उसके बहुत खिलाफ़ रहती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दुख की बात थी, मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ। मेरे ससुराल में सभी लोग खाता है, सभी लोग खाता है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जिसमें लोग मुर्गा मछली खाते हो। अभी मतलब सिर्फ मेरे मैं आपको बता दूँ, लिटरली मैं एकदम मेरे ससुर जी और मेरे पतिदेव फ़िलहाल, इन दोनों लोग ने मेरे आने के बाद छोड़ा है। बाकी मेरे घर में एक एक पर्सन जो है सभी लोग खाता है, सब लोग छुपा के खाता है, चोरी खाता है, सब लोग खाता है मेरे घर में। और ठीक है, मैं किसी को मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई अपना अपना सबका लाइफ है, इसलिए किसी के भी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए मेरे सास ससुर और मेरे पतिदेव फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे सास ससुर और मेरे पति हैं। तो इन लोग की ज़िंदगी में बदलाव लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी। जैसे कि मैंने अपने सास ससुर को, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं सबसे पहले अपने ससुराल में सब शादी से पहले मेडिटेशन किया था। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर करके मैंने अपने डैडी को, अपनी सासू माँ को, अपने ससुर जी को मेडिटेशन कराया। बस अब मेरा एक लास्ट लक्ष्य है अपने पतिदेव को मेडिटेशन कराना, जो कि लगता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि भाई उनका गवर्नमेंट जॉब है और उनको छुट्टी मिलती नहीं है। पर मेरी कोशिश भरपूर रहेगी कि वो मेडिटेशन कर ले, तब मेरी ज़िंदगी का कुछ उद्देश्य कंप्लीट होगा। बाकी मेरे ससुराल में सब लोग कर चुका है, अब करते हैं लोग नहीं करते पता नहीं, पर मेरे डैडी ने सबको करा डाला है, सबको करा डाला है। होता नहीं कि आपके घर में अगर कोई एक अच्छा इंसान अगर अच्छा बन जाए, अगर कुछ शिक्षा ले ले, तो वो चाहता है कि उसके बच्चे सबसे पहले फर्स्ट ले। तो इसीलिए मेरे ससुर जी ने सबको करा डाला है, बाकी लोग करे ना करे वो उनका प्रिफरेंस है। तो बहुत आज मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, बहुत कुछ सुना डाला। तो इस टाइम मैं सोनभद्र में हूँ, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली हम पहुँच गए रात के 12 बजे, तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और भाई बहुत थकान है, मुझे वैसे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा तो आदत है भाई 1-2 बजे तक सोने का, पर मेरे पतिदेव को बहुत थक लग गई है, क्योंकि वो 12 घंटे से ज़्यादा हो गया उनको कार में ही बिताते, बनारस से लेके प्रयागराज, प्रयागराज से सोनभद्र। तो ऐसा ही कुछ रहा सफ़र उनका। उनका तो सफ़र अच्छा नहीं रहा, पर मेरे साथ जब सफ़र था तो वो अच्छा था। और ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब जब मैंने सुना था तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और हाँ, आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो ज़रूर से कमेंट डाउन करिएगा। मैं बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप शादी के बाद MBBS करती हैं, क्या है क्या नहीं। मैं सब चीज़, मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे लूँगी तो मैं एक एक क्वेश्चन का सारा आंसर दूँगी, मैं सब चीज़ बताऊँगी, सब चीज़ मैं अपनी हर एक स्टोरी बताऊँगी, ताकि मेरे से किसी को मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे। ताकि जैसे मेरे ससुराल वाले मेरा सपोर्ट करते हैं, वैसे शायद किसी के ससुराल वाले भी उसका सपोर्ट करें, ताकि उसकी भी ज़िंदगी मेरी तरह ही धन्य हो।